नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 18 जून को जारी होगी किसान सम्मान योजना की 17वीं किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून मंगलवार को पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से 9.3 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए की किस्त ट्रांसफर करेंगे। इससे पहले 28 फरवरी को स्कीम की 16वीं किस्त जारी हुई थी। पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के खाते में 6,000 रुपए की 3 किस्तों में देती है। शुरुआत में पीएम किसान योजना का लाभ सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों को मिलता था। इसमें वो कृषक शामिल थे जिनके पास 2 हेक्टेयर तक संयुक्त जमीन है। जून 2019 में योजना को रिवाइज किया गया, सभी किसानों के लिए एक्सटेंड किया गया। रेलवे में सरकारी नौकरी का मौका, 1,556 पोस्ट पर जल्द शुरू हो सकती है भर्ती। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के अध्यक्ष सीएम उपाध्याय व महामंत्री अशोक शर्मा ने बताया कि रनिंग रूम व टीटी रेस्ट हाउस में सभी आवश्यक सुविधाएं रिव्यू के तहत पमरे के कोटा भोपाल एवं जबलपुर मंडल में 1,096 एएलपी व 460 ट्रैक मैनेजर समेत कुल 1,556 पद सृजित होंगे। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर, भोपाल और कोटा रेल मंडल में रनिंग स्टाफ के लगभग 1,556 पद सृजित किए जाएंगे। वहीं रेल कर्मचारियों के लिए 200 से अधिक नए मकान बनाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजने पर सहमति बनी। शुक्रवार को रेल मजदूर संघ की पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय पीएनएम बैठक में यह निर्णय लिया गया। ईपीएफओ ने इस सुविधा पर लगाया फुल स्टॉप, अब नहीं निकाल पाएंगे पैसा। प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी को ईपीएफओ की तरफ से कई सुविधाएं मिलती हैं। एक खास सुविधा को ईपीएफओ ने बंद करने का फैसला किया है। इस सुविधा को कोरोना काल के दौरान शुरू किया गया था। अब ये लाभ ईपीएफ सदस्यों को नहीं मिलेगा। ईपीएफओ ने 12 जून को नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा कि कोविड-19 महामारी अब नहीं है। ऐसे में कोविड एडवांस की सुविधा बंद की जा रही है। इसे कोरोना महामारी के समय आर्थिक मदद देने के लिए शुरू किया गया था, अब इसे बंद करने का फैसला लिया गया है। जबलपुर चांदा फोर्ट एक्सप्रेस 19 जून को रहेगी रद्द। रिफंड लेने के लिए काउंटर पर भीड़। जबलपुर से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द करने की वजह से जबलपुर से रवाना होने वाली ट्रेनों से लेकर यहां से गुजरने वाली ट्रेनों तक को रद्द किया गया है। रेलवे ने लगभग 50 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करने से हजारों यात्रियों की यात्रा प्रभावित हो गई है। इधर ट्रेनों के रद्द होने के बाद रेलवे ने यात्रियों की टिकट का पैसा वापस करना शुरू कर दिया है। हालांकि इसके लिए जबलपुर रेल मंडल के सभी आरक्षण और करंट काउंटर पर व्यवस्था की गई है, इसके बावजूद यात्री परेशान हो रहे हैं। अभिभाषकों को दोगुने से ज्यादा स्पेस मिला, पक्षकारों को बैठने हाल भी तैयार। नए जिला कोर्ट की भव्य इमारत बनकर तैयार हो चुकी है, जिसमें अंतिम दौर की शिफ्टिंग जारी है। 19 जून से इमारत में पूरी तरह कामकाज को शुरू कर दिया जाएगा। नई इमारत में अब अभिभाषकों के स्थान से लेकर पक्षकारों के बैठने की व्यवस्था पर विशेष फोकस किया गया है। अभी तक ऑल हाई कोर्ट में जहां अभिभाषकगण 13,000 वर्ग फीट स्पेस में बैठते थे, अब 30,000 वर्ग फीट में बैठेंगे। अभिभाषकों के स्थान को बढ़ाने के लिए कैंटीन का एक हाल भी उनके लिए चिन्हित कर दिया गया है। वहीं पक्षकारों के लिए जिला कोर्ट परिसर में ही पार्किंग के पास वेटिंग के लिए कक्ष तैयार किया गया है। इसमें नक्काशीदार खिड़कियों को लगाया गया है, जिससे यह सुंदर दिखे। शिफ्टिंग का पूरा काम न्यायाधीशाएं की निगरानी में कराया जा रहा है। भिंड में इसी सत्र से अस्थायी रूप से शुरू होगा प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल। देश की सेना में सबसे अधिक सैनिकों के रूप में भागीदारी करने वाले भिंड जिले में सैनिक स्कूल खोले जाने की तैयारी तेज हो गई है। इसी शैक्षणिक सत्र 2024-25 में इसका शुभारंभ जिले के गोहद स्थित मॉडल स्कूल में होने जा रहा है। इसके लिए सोमवार को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण की रिपोर्ट जल्द ही सैनिक बोर्ड दिल्ली को सौंपी जाएगी। बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद गोहद में सैनिक स्कूल का अस्थायी संचालन शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि सैनिक स्कूल मालनपुर में खोला जाना है, जहां पर भवन निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है। सैनिक स्कूल की घोषणा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। शहर में नवनिर्मित शंकरपुर स्टेडियम प्रदेश की पहली मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग सिंधिया कप की मेजबानी के लिए दुल्हन की तरह सजधज कर तैयार हो रहा है। 15 से 23 जून तक आयोजित लीग के शुभारंभ शनिवार में सिर्फ एक दिन बचा है और अधिकांश काम अंतिम दौर में है।
लीग का रोमांच का लुत्फ उठाने के लिए स्टेडियम में प्रवेश निःशुल्क रखा है। वहीं गुरुवार को स्टेडियम में वीवीआईपी, वीआईपी, गणमान्य नागरिक, मीडिया और आम दर्शकों के प्रवेश के लिए कुल 6 गेट बनाए गए हैं। गेट क्रमांक 1 से वीवीआईपी और वीआईपी एवं गेट क्रमांक 2 से मीडिया व गणमान्य नागरिक प्रवेश करेंगे। शंकरपुर रोड की तरफ बने गेट क्रमांक 3, 4, 5 व 6 से आम दर्शकों को सीधे स्टैंड जा सकेंगे। चूंकि लीग के शुभारंभ के साथ साथ स्टेडियम के नामकरण कार्यक्रम भी है, इसको देखते हुए आम दर्शकों को शाम 4:30 बजे से स्टेडियम में प्रवेश दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 18 जून तक आ सकता है मानसून। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, सागर और शहडोल संभाग में बारिश के आसार। दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगले 2-3 दिन में मानसून के महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा में भी आगे बढ़ने के आसार हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में 18 जून के आसपास मानसून के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर बनी 4 मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं के साथ नमी आने का सिलसिला बना हुआ है। इस वजह से प्रदेश के विभिन्न जिलों में वर्षा हो रही है। बीएमएस में होंगे 5 प्रैक्टिकल। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के बीएमएस फर्स्ट प्रोफेशनल में छात्र छात्राओं की 5 प्रायोगिक परीक्षा होगी। प्रत्येक प्रायोगिक परीक्षा शुल्क ₹150 देय होगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने बुधवार को आदेश जारी किया है। पूर्व में विश्वविद्यालय की ओर से जारी आदेश में 9 थ्योरी और 3 प्रैक्टिकल परीक्षा के अनुसार शुल्क लेने की अधिसूचना जारी की गई थी। संशोधित आदेश के अनुसार अब फर्स्ट प्रोफेशनल की मुख्य एवं पूरक परीक्षा के लिए 9 थ्योरी एवं 5 प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए ₹5,250 परीक्षा शुल्क देना होगा। इसके अतिरिक्त आवेदन शुल्क के ₹100 अतिरिक्त देय होंगे। परीक्षा के लिए आवेदन और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। छात्र छात्राएं बिना विलंब शुल्क के 27 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 29 जून तक आवेदन जमा करने पर ₹100 विलंब शुल्क देना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रही इनकम टैक्स रिटर्न की जांच। आम करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। आयकर विभाग ने प्रत्येक करदाता का एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल काफी समय पहले अपलोड कर दिया है। करदाताओं को अपना रिटर्न दाखिल करने से पहले आईएस से मिलान कर लेना चाहिए। आयकर विभाग के पास कम से कम 50 अलग अलग माध्यमों से लेन देन की सूचना पहुंच रही है जो आईएस में दर्ज होती है। साथ ही दाखिल रिटर्न की जांच में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में जरा सी भी असावधानी करदाता पर खासी भारी पड़ सकती है। किसी भी करदाता के आईएस में उसके वेतन की आय, लाभांश आय, ब्याज की आय, पूंजीगत लाभ, किराए से होने वाली आय, टीडीएस, बैंक खातों के बड़े जमा, म्यूचुअल फंड के निवेश, कर भुगतान जैसे तमाम लेन देन परिलक्षित हो रहे हैं। नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24, मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।